देश के मुसलमानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने अपना एक फैसला टाल दिया जी। वक्फ बोर्ड में हो रही लूटपाट पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई, मगर इस बिल के आते ही राहुल गांधी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टियों के नेताओं का टेम्परेचर आज बहुत हाई हो गया और संसद के अंदर इंडिया अलायंस ने हर दो मिनट में हर पांच लाइन के बीच मुसलमान मुसलमान कहना शुरू कर दिया। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब मोदी सरकार अपने किसी फैसले को इतना जल्द ठंडे बस्ते में डाल रही है। अपने ही बिल को जेपीसी में भेज रही है, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। वक्फ बोर्ड के बिल में ऐसा क्या है जिसे रोक कर मोदी सरकार मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है? इस बिल में ऐसा क्या है जिसके आते ही सारी पार्टियों के नेता सीधे धर्म पर आ गए? आज का धर्म कांटा किसकी ओर झुका, आप ये जानिए। मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। खुल्लम खुल्ला मुसलमान मुसलमान होने लगा है। मोदी के दुश्मनों ने अपना एजेंडा अभी से क्लियर कर दिया है। राहुल करने लगे मुसलमान मुसलमान, अखिलेश करने लगे मुसलमान मुसलमान, पवार की पार्टी, दीदी की पार्टी, सबकी जुबान पर मुसलमान मुसलमान। तो क्या मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए इंडी गुट के अगले बड़े आंदोलन का नाम भी होगा मुसलमान? Now we are going for Muslims. मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? This bill is completely against the Muslims. I am not particularly targeting the community Muslim, sir. जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। भाजपा अपने हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस बिल इज टारगेटिंग दी मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। राहुल से लेकर अखिलेश तक, ममता से लेकर पवार तक, स्टालिन से लेकर ठाकरे तक, हर पार्टी के नेता का अब एक ही काम, हर दो मिनट में मुसलमान, हर चौथी लाइन में मुसलमान, हर दूसरी लाइन में मुसलमान। तो क्या मोदी के विरोधी अब नॉनस्टॉप जपेंगे मुसलमान मुसलमान ताकि आने वाले चुनावों में हो सके मुस्लिम वोट का समाधान और मोदी को हो जाए नुकसान? मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, मगर इस बिल के आते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस इसमें संविधान की धज्जियां उड़ गई वाला नैरेटिव चलाने लगी। बैरिस्टर ओवैसी ने आप मुसलमानों के दुश्मन हैं वाली स्क्रिप्ट फिट करनी शुरू कर दी। अखिलेश ने बिल को रिजेक्ट किया, मुस्लिम वोट बैंक को सेलेक्ट किया। टीएमसी ने इस बिल को मुसलमानों पर डायरेक्ट असॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। मुस्लिम मुस्लिम करते करते विपक्ष को तो इस बात से भी दिक्कत हो गई, ये बिल माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री किरण रिजिजू लेकर क्यों आए? बिल पर किरण रिजिजू ही क्यों बोले? वो तो मुसलमान है नहीं, उन्हें वक्फ बोर्ड पर बोलने कैसे दिया गया? वोट बैंक के चक्कर में इंडी वालों ने अपना लेवल यहां तक पहुंचा दिया। ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए इस बिल में मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए, क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा, मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। लोकसभा में एक भी मोदी विरोधी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल की मेरिट पर बात नहीं रखी। सबने अपनी अपनी स्पीच में वोट बैंक वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ी और उस स्क्रिप्ट के शब्द थे, मुसलमान खतरे में आ जाएगा, वक्फ की जमीन छीन ली जाएगी, मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, मुसलमानों के साथ वो हो जाएगा, वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोगों को लाकर बिठा दिया जाएगा। इस तरह के नैरेटिव से मन नहीं भरा तो इंडी अलायंस के नेताओं ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि इस बिल को लाने का मकसद ही वक्फ की जमीन छीन कर उसे बेच देने का है। लगेगी आग
तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मुसलमानों के हित के लिए ला रहे हैं ऐसा ये दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहती, समाप्त करना चाहती है। न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, न कोई जमात, न कोई पब्लिक, न कोई स्कॉलर्स, न कोई इंटेलेक्चुअल्स, किसी से डेलिब्रेशन नहीं हुआ और बिल लाया गया। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अनजस्ट बिल है ऐसा मैं कहती हूँ। माइनॉरिटी को राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेट टू एडमिनिस्टर वो राइट को इंटरफेयर कर रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। एक लाइन इंडी गुड द्वारा वक्फ संशोधन बिल के विरोध को समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बचाने वाली राजनीति है। आने वाले चुनावों में इंडी गुड से मुस्लिम वोट न छिटके, इसलिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में इंडी अलायंस को 42% जबकि कांग्रेस को 38% मुसलमान वोट मिले, यानी इस बार इंडी के मुस्लिम वोट बैंक में टोटल 28% का इजाफा हुआ। मोदी विरोधी पार्टियां मुस्लिम वोट गंवाने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए सबने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का जो विधेयक आज लोकसभा में पेश हुआ, उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं महज मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं। टीकरण के राजनीति को लेके दे वांट टू मिसगाइड। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आप जो है वो हमेशा लटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे और हर संवैधानिक सुधार पर, हर समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करते रहेंगे, तो न ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, न मजहब के लिए बेहतर है। अब सवाल ये है कि इंडी अलायंस वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत क्यों कर रहा है? क्या उसे मुस्लिम वोट के खिसकने का डर सता रहा है? ये समझने के लिए आपको पहले वक्फ को समझना होगा। वक्फ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, यानी ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। जब कोई व्यक्ति इस्लाम के नाम पर संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। हिंदुस्तान में वक्फ का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है। ये तब वजूद में आया था जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। साल 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट के तहत पहली बार वक्फ को रेगुलेट करने की कोशिश हुई थी। आजाद भारत में पहली बार साल 1954 में देश की संसद ने वक्फ एक्ट को पास किया था। साल 1995 में एक नए वक्फ एक्ट से पुराने एक्ट को रिप्लेस किया गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा ताकतवर बना डाला। साल 2013 में यूपीए की सरकार के वक्त इस एक्ट को एक बार फिर से अमेंड किया गया, जिसने वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दे दी। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,446 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 99% जमीन पर गुंडे बदमाशों का कब्जा होने की बात कही जाती है। मोदी के विरोधियों को इसीलिए वक्फ संशोधन बिल इतना चुभ रहा है। इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड का कंट्रोल गिन करके 200 लोगों के हाथ में है। एक बार कोई संपत्ति वक्फ की डिक्लेयर हो जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ के पास चली जाती है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 उसे ये ताकत देता है कि उस प्रॉपर्टी का फैसला वक्फ बोर्ड ही करे। वक्फ बोर्ड में मिसयूज ऑफ पावर्स की बातें भी सामने आती रही हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो देश मुस्लिम लॉ पर चलते हैं वहां भी वक्फ बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी भारत में है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ को और ताकतवर बना डाला। तब ये प्रावधान लाया गया कि वक्फ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। इस बदलाव के बाद ही असल दिक्कत शुरू हुई। ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं जिन पर मुसलमानों का मालिकाना हक कभी नहीं रहा, उन्हें भी वक्फ के अंदर लाने का आरोप लगा। कहा गया है सरकार इसे बदल कर वक्फ को मुसलमानों तक ही सीमित करना चाहती है, ताकि जो आरोप वक्फ कानून के गलत इस्तेमाल पर लगते हैं वो न लगे। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी वक्फ को रेगुलेट करने, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने और वक्फ मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम को शामिल करने की सलाह दी गई थी। इसको एफिशिएंट तरीके से मोदी सरकार बिल्कुल वही कर रही है। वक्फ संशोधन बिल लाकर पूर्व की सरकारों का भूल सुधार कर रही है। और ये क्यों जरूरी है इसे भी एक फैक्ट से समझिए।
2015 की एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ में फैले 4,90,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ थे। आज की तारीख में ये 9 लाख एकड़ से ज्यादा में फैली 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। यानी 10 साल से भी कम समय में वक्फ की प्रॉपर्टी करीब दोगुना और एरिया डेढ़ गुना से ज्यादा हो गया है। पहले जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के बाद 48 में वक्फ की कुल संपत्ति 4 लाख थी और आज की तारीख में वक्फ की संपत्ति 9.5 लाख है। कई गुना जो है वो बढ़ोतरी वक्फ में हुई। संशोधन किया जाना चाहिए और जरूरी है, मगर चूंकि इसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन सदस्य और अधिकारी ये लोग सब लोग मिल करके भू माफियाओं से सांठगांठ करके जमीनों को खरीदो फरोख्त कर रहे थे और खुर्द बुर्द कर रहे थे जमीन। वक्फ के नाम पर हो रही लूट को यूपीए की सरकार के वक्त खुली छूट दी गई थी और आज जो वक्फ संशोधन बिल पर इतना शोर मचा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुस्लिम वोट बैंक साध रहे हैं। 2014 याद कीजिए, उस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई थी। तब तत्कालीन मनमोहन सरकार ने आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले ऐसा किया था। मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस ने ये तक किया और इस बार भी वो ऐसा ही कर रही है। सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, उसका एक सूत्री कार्यक्रम ध्रुवीकरण है। वो चाहती है कि इस बिल के बहाने वो समाज में ध्रुवीकरण करे, बंटवारा करे। जो हमें अधिकार मिले हैं उनका पूरी तरीके से वायलेशन है और जिस तरह से सरकार करना चाहती है वो वक्फ की जो लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसको खुर्द बुर्द करने की तैयारी है, उसके ऊपर कब्जा हो जाए। देखिए, भारत एक धार्मिक देश है, हर धर्म का सम्मान होता है और हर धार्मिक मामले में जो हर मामले में जो आस्था से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत नाजुक होता है और इसीलिए हम बार बार ये मांग कर रहे थे इस सरकार के साथ कि इसमें जल्दबाजी ना करें। लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वास्तव में किसी का उपकार करना इनकी मंशा नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, तुष्टिकरण। आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में जो निर्वाचन में इनकी डूबती हुई सरकार को बचाना, उस उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, लेकिन सच तो ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले से ही सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं। वक्फ का एक सीईओ होता है जो सरकार को रिपोर्ट करता है। वैसे भी जितने वक्फ बोर्ड हैं वो किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ द डे। भाई स्टेट वक्फ है, जैसे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है कि कर्नाटक का है कि गुजरात का है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो मेंबर है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उनके ऊपर जो होता है वो सीईओ जो होता है, जिसके पास टोटल पावर है, तो वो हमेशा आईएएस ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर होता है, हु रिप्रेजेंट्स, हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो मैं नहीं समझता कि वैसे भी कोई वक्फ में कंट्रोल गवर्नमेंट का हमेशा से रहा ही है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार सिर्फ उसे पारदर्शी बनाना चाहती है, सालों से चली आ रही जमीन की लूट पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें मुस्लिम और चुनाव वाला एंगल फिट करके एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी, तो एक स्टेप आगे जा चुकी है। अखिलेश की पार्टी के एक सांसद ने तो बाकायदा धमकी दे दी है, मुसलमानों को सड़क पर उतारने वाली स्क्रिप्ट अभी से रेडी कर ली है। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा,
कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने तो इसमें और भी ज्यादा हार्ड लाइन ले ली है, इस बिल को देश को बांटने वाली साजिश बता डाला। वक्फ संशोधन बिल को सीधे सीधे मुसलमानों पर हमला बता दिया और मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन डिक्लेयर करके अपना मुस्लिम वोट अभी से साध लिया। वक्फ संशोधन बिल में भी NRC ढूंढ लिया है। CAA से ज्यादा गुस्सा अभी मुस्लिम समाज में है कि आप तो मेरी शनाख्त को छीन ले रहे, और ये एक्ट इसलिए, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि सरकार मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को, मस्जिद को, दरगाहों को छीन ले, तो यही उनका मकसद, इसलिए तो हमको अपोज करना है। ये तो हमारे लिए, मैं तो शुरू में आज भी कह रहा हूँ, ये तो वक्फ बोर्ड का NRC हो रहा है। तो ये समझ नहीं रहे कि वक्फ जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो सेल्फ एक्वायर्ड है मुसलमानों से, कोई सरकार की प्रॉपर्टी दे रही है, सरकार नहीं ले रही है। तो ये इनका असल मकसद एक ही है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बस किसी ना किसी तरह मुस्लिम समाज को इससे महरूम कर दिया जाए और अपने लोगों को लाकर बिठाएं और फिर सब तमाशा हो वहां पर। ये तो बैकडोर से अब UCC को ला रहे हैं, बैकडोर से अब मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं जो आप 91 एक्ट की वजह से नहीं कर सकते, जो दरगाहों पर महाराष्ट्र के CM ने कहा कि हाजी मलंग की दरगाह मुसलमानों की नहीं, उसको छीनना चाहेंगे आप।